hello everyone and welcome back to our channel join mns academy in this video we are going to do questions of periodic classification of elements the video consists of about 20 questions of this chapter pdf of this session would be available on our app and also on our telegram channel and link of the app and also the telegram channel is given in the description box if any one of you want the pdf you can go to the link and get that from there द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर प्यरडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक नंबर्स द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय ऑप्शन ए नील भोर ऑप्शन बी डी आई मंडलिफ ऑप्शन सी जे डब्ल्यू डोबेनियर ऑप्शन डी एच जी जे मोजले सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोजले जो मूजले थे उन्होंने ही जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके लिए ये स्टेटमेंट दी थी कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल हैज़ ऑप्शन ए ऐट हॉरिजॉन्टल रोज एंड सेवन वर्टिकल कॉलम्स ऑप्शन बी सेवन हॉरिजॉन्टल रोज एंड एट वर्टिकल कॉलम्स ऑप्शन सी सेवन हॉरिजॉन्टल रोज एंड सेवन वर्टिकल कॉलम्स ऑप्शन डी एट हॉरिजोंटल रोज एंड एट वर्टिकल कॉलम्स सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेवन हॉरिजॉन्टल रोज एंड एट वर्टिकल कॉलम्स ये ये जो मॉडर्न टेबल हम पढ़ते हैं और ये ही हमें दिया था जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था मूजले नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल आई एंड एफ एम जी विच इज़ लीधियम लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर बिकॉज ऑप्शन ए दीज बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑप्शन बी बोथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज सेम ऑप्शन सी शो डाइगनल रिलेशनशिप ऑप्शन डी बोथ इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इज सेम सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ दे शो डाइगनल रिलेशनशिप जो लिथियम है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है एंड मैगनीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है एंड ये दोनों एक दूसरे के डायग्नली अरेंज है इन द प्योडिक टेबल सो ये कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरे की तरह सिमिलर शो करते बिकॉज ऑफ देय डायगनल रिलेशनशिप द डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए मोनोवेलेंट मेटल्स ऑप्शन बी ऑल नॉन मेटल्स ऑप्शन सी एलिमेंट्स विद जनरली फॉर्म्स टोक्योमेट्रिक मेटल ऑक्साइड ऑप्शन डी मैनी मेटल्स विथ कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मनी मेटल्स विथ कैटलिटिक प्रॉपर्टीज़ सो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी कैटलिटिक प्रॉपर्टीज़ इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनके पास एक वेकिन डी ऑर्बिटल होता है और उनका उस वैकिन डी ऑर्बिटल की वजह से वो एक ज़्यादा सफेस एरिया प्रोवाइड कर पाते हैं जिसकी वजह से रिएक्शंस प्रॉपर वे में आगे हो पाती है फॉरवर्ड वे में मूव कर पाती हैं इसलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मेनली कैटलिटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरडिक टेबल आर ऑप्शन ए मेटल ऑप्शन बी नॉन मेटल्स ऑप्शन सी मेटलॉइड ऑप्शन डी ट्रांजिशन मेटल तो इसका करेक्ट आंसर है बी नॉन मेटल्स जो एक ये एक रफ डाइग्राम है जो पीरडिक टेबल होती है उसका तो यहाँ पर ये जो होता है ये मेटल्स होते हैं यहाँ पर ये नॉन मेटल्स होते हैं यहाँ एंड फिर ये जो बीच में हुए यहाँ पे ये यह होते हैं एंड यहीं पे नीचे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स की तरह ट्रांजिशन uh, एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं सो नॉन मेटल हम जो इस साइड में उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी होती है ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इसलिए हम उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं जो इस राइट right साइड में होते हैं विच विल शो मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑप्शन ए बोरॉन ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेरेलीम ऑप्शन डी एल्युमिनियम, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ बोरॉन ये एक रफ डायग्राम है पीरियोडिक टेबल का सो जो मैग्नीशियम एंड बेरेलीम है एल्युमिनियम है वो सब इस साइड लाई करेंगे जो ये मैग्नीशियम एंड बेरेलीम ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं एंड जो एलोमियम है वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है यानी जो बोरोन है ये यहाँ पे लाइक करता है यहाँ पे थर्टीन ग्रुप आ जाता है सो so, जो इस तरफ पीरियडिक टेबल के हुए विच इज राइट साइड तो जो राइट right साइड के एलिमेंट है वही जनरली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट हैव एन ऑक्टेट और एट इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल ऑप्शन ए नियॉन ऑप्शन बी रेडॉन ऑप्शन सी ऑर्गन ऑप्शन डी हीलियम सो इसका करेक्ट आंसर है डी हीलियम ये सारी गैसेज जो हैं ये सब नॉबल गैसेज ही हैं बट इसमें जो ये हीलियम है इसका ऑक्टेट नहीं इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है इसलिए यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है बाकी सारी गैसेज हैं वो भी सेम ग्रुप के ही पार्ट पार्टिसिपेंट्स हैं बट उनका ऑक्टेट रूल होता है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और जो हीडियो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो टू है इसलिए वहाँ पे जस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं वहाँ पे डुप्लेट रूल फॉलो होता है एंड ऑक्टेट रूल बाकी सारे एलिमेंट्स में फॉलो होते हैं पेंटा बेलेंसी इन फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल वेन कंपेयर तो तो टू डैट ऑफ नाइट्रोजन इवन दो दे बिलोंग टू सेम ग्रुप इज ड्यू टू ऑप्शन ए रिएक्टिविटी ऑफ फॉसफोरस ऑप्शन बी इनर्ट नेचर ऑफ़ नाइट्रोजन ऑप्शन सी डिसिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑप्शन डी लार्ज साइज ऑफ फॉस्फोरस एटम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लार्ज साइज ऑफ फॉस्फोरस एटम जो नाइट्रोजन है उसका साइज स्मॉल होता है फॉस्फोरस जो नाइट्रोजन होता है उसमें सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक होते हैं वाइल जो आ, ये हमारे पास फॉस्फोरस हुआ उसमें एस पी एंड डी ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसका एक एक्सपेक्ट जो उसके पास वैलेंसी होती है वो ज़्यादा शो कर पाते हैं एंड ज़्यादा स्टेबल भी, होते है, भी होता है एंड ऑल्सो साइज में भी ज़्यादा होता है इसलिए वो पेंटा बैलेंसी शो कर पाता है बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल एंड जो नाइट्रोजन है उसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं तो वो सिर्फ ट्राई वैलेंसी ही शो कर पाते हैं द बेसिस ऑफ कीपिंग द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल इज़ ऑप्शन ए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑप्शन बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑप्शन डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम एक ग्रुप बनाते हैं जैसे ये ग्रुप बना ये लिथियम है लिथियम देन इसके नीचे सोडियम या बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे सेम ग्रुप में क्यों हैं कि उनके इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वो वन है तो जो भी हम एलिमेंट्स uh, को सेम पीरियड में ग्रुप करते हैं तो उनका बेसिस क्या होता है तो वही उनका बेसिस यही होता है कि जो उनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्शन ए सोडियम ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑप्शन सी आयरन ऑप्शन डी एल्युमिनियम सो इसका करेक्ट आंसर है एफ ई विच इस आयरन जो आयरन है वो एक ट्रांजिशन मेटल है और उसके पास एक डी ऑर्बिटल भी होता है तो वो डी ऑर्बिटल उससे हेल्प करता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इज ऑप्शन ए BECL2, then MGCL2, then CACL2, and highest BACL2. Option B BECL2, MGCL2, BACL2, CACL2. Option C BECL2, BACL2, MGCL2, CACL2. Option D BACL2, CACL2, MGCL2, and BECL2. सो so फर्स्टली यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है सो so, जो जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देखा होगा उसमें था कि केमिक उसमें आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था सो so, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो तब फॉन्ड होते हैं फॉर्म होते हैं जब एक जो आयन या एन आयन है वो स्मॉल साइज़ का है एंड अदर वन इज़ ऑफ लार्जर साइज सो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसके बाद बॉन्ड फॉर्म होती है तो इसमें जो भी एलिमेंट्स है उसमें सबसे बड़ा साइज़ का डिफरेंस है वो बी ई सी एल टू में तो इसलिए सबसे हाइस्ट जिसमें आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए बी एस सी एल टू में एंड सबसे लोएस्ट होना चाहिए बी ई सी एल टू में तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है एंड ऑल्सो बी के बाद जो जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा है वो एम जी है एंड उसके बाद सी ए है एंड बी एस सी एल टू का सबसे ज़्यादा साइज़ बड़ा है अकॉर्डिंग टू सी एल बिकॉज सी एल जो है वो सब में सेम है तो हम इसे डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर नहीं ले सकते हमें बाकी जो उसके साथ दूसरे एलिमेंट है उनको देखना पड़ेगा तो so, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच ऑफ दीज हैव नो यूनिट ऑप्शन ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑप्शन सी आयनाइजेशन एनर्जी ऑप्शन डी एक्साइटेशन पोटेंशियल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बाकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इनकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम ई के फॉर्म में लिखते हैं और ये प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में प्रेजेंट हो सकती है जो इनकी एनर्जी यूज़ होती है या फिर रिलीज होती है या फिर उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन करने के टाइम जो एनर्जी चाहिए एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के टाइम एनर्जी चाहिए जो चाहिए होती है वो तो ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ प्रेजेंट हो सकती है एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल भी वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए चाहिए होती है तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही होती है द पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइएस्ट ऑप्शन ए स्मॉल हाईली पॉजिटिव आयन ऑप्शन बी स्मॉल हाईली नेगेटिव आयन ऑप्शन सी लार्ज पॉजिटिव आयन ऑप्शन डी लार्ज नेगेटिव आयन सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल हाईली पॉजिटिव आयन ये अगेन हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था जहाँ पे फजान रूल फॉलो किया जाता है फॉर पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ कैटाइन और एनायन में तो वहाँ पे बताया था कि जो भी एक कैटाइन होता है अगर वो स्मॉल होता है तो उसके उस छोटे एरिया में उसका साइज जो उस छोटे एरिया में जो उसके ऊपर चार्ज होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसलिए उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी सबसे हाइस्ट होती है एन एटम विच हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ ऑप्शन ए लार्ज साइज ऑप्शन बी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑप्शन सी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑप्शन डी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जिसके वजह से अगर एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या कहीं भी अगर एक एलिमेंट है मान लो ये ये कार्बन है एंड इसके साथ फ्लोरीन है फ्लोरीन ही एक एलिमेंट है जिस जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अगर ये एक बॉन्ड फॉर्म करें तो फ्लोरीन के पास एबिलिटी है कि इस बॉन्ड के जितने है वो अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर सके बिकॉज वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो जब वो इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है तो वो आयनाइजेशन पोटेंशियल तो उसका सबसे लो होगा ही बिकॉज आयनाइजेशन पोटेंशियल इज एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी इज इज़ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन सो जो फ्लोरिन है वो तो इलेक्ट्रॉन कभी लूज करेगा ही नहीं वो हमेशा ट्राई करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले सके सो so, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इनर्ट गैसेस इज ऑप्शन ए ज़ीरो ऑप्शन बी हाई ऑप्शन सी नेगेटिव ऑप्शन डी पॉजिटिव सो जो इनर्ट गैसेस हैं उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होता है विच इज़ ऑप्शन ए जो इनर्ट गैसेज हैं उनका जो ऑक्टेट रूल होता है या डुप्लेट रूल होता है वो ऑलरेडी उनके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं तो उन्हें कोई ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना उन्हें इलेक्ट्रॉन कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो है इवन अगर उन्हें आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी पूछा जाए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है उनका या फिर उनके लिए और भी कुछ पूछा जाए तो उनके जीरो ही होगा क्योंकि वो जनरली एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है क्योंकि उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है सो so, अगर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या कुछ भी इससे रिलेटेड आसपास क्वेश्चन आए इनर्ट गैसेस में एनर्जी से रिलेटेड तो वो जनरली जीरो ही होगा उसका आंसर विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑप्शन ए सोडियम ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑप्शन सी सल्फर ऑप्शन डी एलमियम सो so, इसका करेक्ट आंसर है सल्फ़र सो so, ये सोडियम मैग्नीशियम एंड एलुमोनीय है ये सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलुमोनीय थर्ड ग्रुप का सो so, ये जो तीनों हैं ये तीनों अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे टू गेन द ऑक्टेट रूल एंड देयर स्टेबिलिटी सो इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं इनके लिए आयोनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होगा और जो सल्फर बचा वही एक राइट साइड ऑफ द टेबल हुआ जहाँ पे उसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसलिए जो भी हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो सल्फर की है इन कंपैरिजन विथ अल्कली मेटल्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन इज ऑप्शन ए वेरी हाई ऑप्शन बी वेरी लो ऑप्शन सी नियरली सेम ऑप्शन डी एग्जैक्टली सेम सो so, जो अल्कली मेटल्स है वो पीरडिक टेबल के एकदम लेफ्ट साइड में होते हैं एंड हेलोजन वो एकदम राइट right साइड में सो so, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो इस साइड में एकदम ज़ीरो ही होनी है एंड इस साइड में ही मैक्सिम होगी तो इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन इज़ वेरी हाई विच इज़ ऑप्शन ए क्योंकि जो यहाँ पे हुए ये जो अल्कली मेटल्स हुए ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाले हैं तो इसलिए इनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो ही होगी एंड हेलोजन हमेशा क्या करेंगे कि अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा हाई होगी एंड विच इज ऑप्शन ए वेरी हाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ गैशियस एटम इज कॉल्ड ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन डी आयुनाइजेशन एनर्जी ऑप्शन डी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जैसा कुछ टर्म है ही नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सो जो एक जो भी हम इलेक्ट्रॉन लेने या रिलीज करने की बात कर रहे हैं ये हमेशा एक गैसियस स्टेट में ही होगी सॉलिड स्टेट में कोई भी मेटल या एलिमेंट ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही रिलीज करेगा इसलिए यहाँ पे गैशियस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आयनाइजेशन एनर्जी है जो एनर्जी रिलीज होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड द एलिमेंट आयोनाइेशन एनर्जी डिक्रीज़ेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ऑप्शन ए इंक्रीज इन चार्ज ऑप्शन बी डिक्रीज इन एटोमिक साइट सॉरी ऑप्शन बी इंक्रीज इन एटोमिक साइज ऑप्शन सी डिक्रीज इन एटोमिक साइज ऑप्शन डी डिक्रीज़ डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट सो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन एटोमिक साइज़ तो जैसे ही डाउन द ग्रुप हम जाते तो जो भी एलिमेंट है उनका साइज़ बढ़ता जाता है सो so, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो अगेन एक अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है जो यहाँ पे जो चार्ज है या फिर जो इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने में एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी एंड बिकॉज जो नीचे जो साइज़ बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके न्यूक्लियस है उससे दूर होते जाएंगे तो हमें इन्हें रिलीज़ करने में कम एनर्जी लगेगी इसलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी हमें कम एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को उसके बैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू अगेन